अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ विदाउट ओवन बसबूसा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बसबूसा बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम सूजी, 40 ग्राम लेंगे कोकोनट पाउडर, घिसा हुआ नारियल और 6-7 लेंगे बादाम, इसको हमने भिगा कर रख दिया था, और 3 टेबल स्पून लेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और 30 ग्राम लेंगे पाउडर शुगर, और 1 टीस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर, और 1 पिंच लेंगे, 1 चुटकी लेंगे ऑरेंज फूड कलर, और 1 टीस्पून लेंगे वनीला एसेंस, और 1 छोटा गिलास लेंगे दूध, 150 ml दूध। तो ये चीज़ें चाहिए हमें बसबूसा तैयार करने के लिए। और बसबूसा के लिए हमें शुगर सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप पानी, 1/2 कप चीनी, और 1 टीस्पून लेंगे केवड़ा वाटर। तो ये हमें चाशनी बनाने के लिए चाहिए। तो एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम सूजी को ट्रांसफ़र करेंगे, ये बारीक वाली सूजी है, और ट्रांसफ़र करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, घिसा हुआ नारियल, और ये 30 ग्राम पाउडर शुगर, और ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे ये दूध, तो ये मैं 2 टेबल स्पून दूध और डाल रही हूँ क्योंकि ये कम लग रहा था मुझे दूध, और अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में डालते हैं ये ऑयल 3 टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे, और 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस, और 1 पिंच 1 चुटकी डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बसबूसा का बैटर रेडी है, तो मैं इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ, इस तरीके का बैटर चाहिए। तो हम केक टिन रेडी कर लेते हैं, तो इसको हम ग्रेस कर लेंगे ऑयल से, इसे अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे, और ये ग्रीस हो गया। अब हम इसमें बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे, अच्छे से इसको सेट करेंगे। तो बसबूसा का बैटर रेडी है, इसको टैप करेंगे और इस पर लगा देंगे ये बादाम, अब हम इसको बेक करेंगे। ये हमने पतीला ले लिया है और इसमें नमक भी चा लिया और कटोरी लगा ली है, और ये 10 मिनट पहले हमने इसको प्री हीट करने रख दिया है। अब हम बसबूसा का बैटर रखेंगे और इसको बेक करेंगे करीब 45 मिनट के लिए, 40-45 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब तक हमारा बसबूसा रेडी हो रहा है तब तक हम इसका शुगर सिरप बना लेते हैं। तो डालते हैं 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी, और इसको अच्छे से हल होने देते हैं। चीनी अच्छे से हल हो चुकी है, अब हम इसको 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर और पका लेंगे। हमें इसमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, और इसमें डालते हैं 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, तो शुगर सिरप रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकती हुई बसबूसा को 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो बसबूसा भी हल्का गर्म है और ये शुगर सिरप भी हल्का गर्म है। अब हम इसको काट लेते हैं।
तो इसको हमने काट लिया है। अब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे जिसमें नीचे अंदर तक चले जाए। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर से गार्निश कर देंगे। तो तैयार है ये वसबूसा। आपको रेसिपी अच्छी लगे रेसिपी को ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।